गुड मॉर्निंग टीम, अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो अपना पिकिंग वाला प्रोसेस है, तो पिकिंग विद बिन कंसोलिडेशन थ्रू HST कैसे होगा? अभी जो हम लोग कर रहे थे वो बिन कंसोलिडेशन थ्रू सिस्टम कर रहे थे, SAP कर रहे थे, तो अभी HST में भी हम लोगों का जो है प्रोसेस एक्टिवेट हो गया है, तो वो अपना करना कैसे है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जो लास्ट अपना कम्युनिकेशन था कि अपने को टूल्स उसके लिए क्या क्या चाहिए और वो प्रोसेस अपना शुरू से फॉलो कैसे करना है, वो मैं आप लोगों को वापस से रिमाइंड करा देता हूँ। पहले तो अपना 7 से 8 क्रेट अपने पास वो होना चाहिए जिसमें से क्रेट में से हमारा पिकिंग आया हुआ है। तो जैसे अभी कापासेटा स्टोर में हुई, यहाँ से 8 क्रेट हम लोगों ने निकाला हुआ है, साइड में रखा हुआ है। उसके बाद अभी ये जो नया प्रोसेस है, इसके लिए हम लोगों को 7 से 8 क्रेट वो भी चाहिए होगी जो अपना जिसमें हमें बिन कंसोलिडेट करना है, जो क्रेट हमारे पास बिन में ऑलरेडी खाली पड़ी होगी। इसके लिए आपको जैसे पहले कम्युनिकेशन भी दिया था कि अपना क्रेट के चारों तरफ अपना जो है बिन नंबर लिखा होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और स्टॉक मिसमैच ना हो। तो जैसे आप लोगों को दिख भी रहा है, इधर चारों तरफ जो है बिन का अपना स्टिकर लगाया हुआ है ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सभी क्रेट्स में, ठीक है। तो अब और इसके अलावा जो है अपने पास 0008 का जो क्रेट है, जो 0008 के लिए सब लोगों को बताया भी गया है कि इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए इसके ऊपर आप स्टिकर लगा दीजिए 0008 का लिख के, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे किया हुआ है। अब इसका प्रोसेस क्या है, टेक्निकली इसको अपने को कैसे करना है HST में, वो मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। सबसे पहले जब आप HST में लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन आता है ये सब, इसमें से हमें आउटबाउंड क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये सभी आप लोगों को जो है जितना आउटबाउंड होता है अपना DC से उस सब चीज़ का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से हमें सेकंड ऑप्शन है पिकिंग विद कंसोलिडेशन, इस पर क्लिक करना है और आगे गो करना है। जैसे ही आप गो करेंगे तो स्टोर को अपना जो है स्टोर है कॉलम, उसमें आपका स्टोर कोड डिफ़ॉल्ट आ जाता है जो जिस भी स्टोर में आप रहेंगे। इसके बाद जो पिकलिस्ट नंबर आपका आया है, जो मॉर्निंग में आपको थ्रू मेल आता है, वो आपको पिकलिस्ट नंबर यहाँ पर डालना होगा। डालिए पिकलिस्ट नंबर, ये पिकलिस्ट नंबर जैसे डाल दिया यहाँ पे, आप इसको एंटर दबाएंगे नीचे से तो आपको बिन स्कैन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ये बिन स्कैन करने का जो ऑप्शन है, ये हमें वो बिन स्कैन करना है जिस बिन में से हमें पिकलिस्ट करना है या अपना जो है 0008 में क्रेट में माल डालना है। तो ये बिन स्कैन कीजिए। अब जब आप ये बिन स्कैन करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को दिखाई देगा कि सोर्स बिन में आपका वो जो बिन आपने स्कैन किया है उसका नंबर आ गया है और स्कैन बिन आएगा सेकंड बिन, तो जो स्कैन बिन है उसमें आपका जो है वो बिन आपको स्कैन करना है जिस बिन में आपको उसका स्टॉक बिन का कंसोलिडेट करना है। तो जैसे ही हम लोग खाली क्रेट लेके आए हैं तो एक क्रेट इसमें से लेंगे और उसका जो है बिन नंबर स्कैन करेंगे। ये देखिए, जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो जो आप लोगों का सोर्स बिन है, सोर्स बिन में वो बिन आ जाएगा जिसमें से हमें पिकलिस्ट करना है और स्कैन बिन में वो वाला बिन आ जाएगा जो हमें जिसमें कंसोलिडेशन करना है। इसके बाद आपको बारकोड स्कैन करने के लिए अपना जो है स्लाइड दे देगा, उसमें आप लोगों को जो क्रेट उठाना है, क्रेट उठा के अपना बारकोड स्कैन करना चालू करना है। करिए, अब जैसे जैसे आप बारकोड स्कैन करते रहेंगे वैसे वैसे जो है आप लोगों का यहाँ पर दिखाता रहेगा कि ये आप लोगों का जो है बिन में जाना है स्टॉक या आपका 0008 में जाना है। तो जैसे ये दिखा दिया है 0008 में जाना है, तो डालिए ये 0008 का स्कैन अपना जो बिन है, इसमें हम लोग 0008 का स्टॉक डाल देंगे और ये जो है ये हमारा बिन का दिखा रहा है स्टॉक, तो ये बिन में हम लोगों ने उसमें डाल देना है जिसमें हमें बिन कंसोलिडेशन करना है। डालिए, तो जैसे अभी ये पूरा हम लोगों ने एक बिन स्कैन किया है, इसमें हमें टोटल 62 पीसेस स्कैन करना था और हम लोगों का जो है 62 पीस स्कैन हो गया, प्लस इसमें से 2 पीस जो है एक्सिस मिला है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक्सिस स्टॉक अगर कुछ मिलता है तो उसके लिए आप DC में एक एक्सिस स्टॉक की क्रेट बना के रखेंगे और फिलहाल के लिए उसमें आप रख दिए जो है वो एक्सिस स्टॉक को रख देंगे, ठीक है। तो अब जैसे 62 पीसेस हम लोगों ने स्कैन किया है, 62 पीसेस में से ये जो है अपना इतना क्वांटिटी है 0008 का है जो 0008 की क्रेट में चला गया है, और उसके अलावा जो अपना बिन कंसोलिडेशन के लिए अपना दूसरा बिन में जाना था वो बिन में चला गया है। तो अब इसमें क्या है, हमारे पास अभी जगह खाली है, इसमें हम लोग ओवर स्टॉक भी रख सकते हैं। तो यही अपना प्रोसेस करने के लिए कि कोई भी अपना क्रेट में जो है विदाउट बिन कंसोलिडेशन ना जाए और बिन कंसोलिडेशन होके जाए, अब हम दूसरा क्रेट भी ले लेंगे जिसमें से हमें पिकिंग निकालना है। लीजिए वो क्रेट भी लीजिए, पोज कर दो। तो जब हम दूसरा क्रेट करेंगे तो जैसे ही हम लोग इस क्रेट को सेव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है बैक चला जाता है, मतलब वही स्क्रीन पे आप वापस आ जाएंगे जिस स्क्रीन पे हम लोगों ने पहले जो है पिकलिस्ट नंबर डाला था। ये पिकलिस्ट नंबर डालेंगे, आप पिकलिस्ट नंबर डाल के एंटर करेंगे तो आपका सोर्स बिन आ जाएगा, सोर्स बिन आ जाएगा। सोर्स बिन में आप फिर वो बिन स्कैन करेंगे जिस बिन से आपको पिकिंग करना है।
और उसके बाद वही बिन अपना स्कैन करेंगे जिसमें हमें और भी माल कंसोलिडेशन करना है, जिसमें जगह ऑलरेडी बाकी है। तो तब तक जब तक हम इसमें स्टॉक अपना डालेंगे, जब तक अपना ये बिन पूरा फुल ना हो जाए, अभी आप करना चालू कीजिए। जैसे हम लोगों ने दूसरा क्रेडिट स्कैन करना स्टार्ट किया और बिन कंसोलिडेशन साथ में करना स्टार्ट किया, तो अभी ये बिन जो है फुल हो गया है पूरा, अभी इसमें और स्टॉक नहीं आ सकता है। बट अभी जिस बिन में से हम लोग पिकिंग कर रहे हैं उसमें अभी भी स्टॉक बाकी है। तो अब जैसे ये स्कैनिंग क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो अपना स्कैन बिन नंबर है इस बिन को काट देंगे और दूसरा जिसमें और दूसरा माल डालना है ये बिन हमें जब कंप्लीट करने के लिए, तो वो बिन स्कैन कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उस बिन में जितना स्टॉक है वो पहली वाली बिन में अपना ट्रांसफर हो जाएगा और बाकी का जो स्टॉक है वो ये जो नया हम लोग बिन स्कैन करेंगे इसमें अपना ट्रांसफर होना चालू करेंगे। वो जैसे ये वाले दूसरे बिन जो हम लोगों ने स्कैन किया 72, इसमें क्वांटिटी मिला है 72 अपना जो है टोटल क्वांटिटी स्कैन हो गया है, और इसमें जो दो पीस एक्सिस मिले वो एक्सिस पे क्रेट में रख दिया है और बाकी ये दो बिन अपना इसमें से जो है दो पीस जो है इसमें से कंसोलिडेट हो चुकी है, जो भी फुल हो गया है इसमें अभी भी जगह खाली है। तो हम लोग नेक्स्ट बिन में जैसा भी प्रोसेस बताया वैसे ही करेंगे, ठीक है। और ये स्टॉक इसमें से जो है 0008 का निकला है, जिसे हम लोग जो है अपना 0008 में ले जाएंगे और इसको आगे प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। थैंक यू।